So, अब हम आ गए हैं अपने इंस्टॉलेशन पार्ट की तरफ। इंस्टॉलेशन पार्ट से पहले मैं आपको कुछ एमएफआई क्लोडर के बारे में दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या सामान इतने साथ में मिला है। चलिए, इसके साथ में आती है एक पावर एडप्टर केबल, एक ऑटो ब्लेड आता है साथ में और ब्लेड का एडजस्टेबल टूल आता है साथ में। कटिंग मैट आप देख सकते हैं 12x12 इंच का है, स्टिकी मैट है और ये आप रोल फ्लेक्सीबल है, रोल फीडर, ठीक है। तो ये आपको एमएफआई क्लोडर में मिलता है। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। ये पावर एडप्टर है इसका और ये केबल। इस केबल को हमने पावर एडप्टर से कनेक्ट कर देना। ये हमने ये वाला पार्ट हमें अपने प्लॉटर में लगा देना है और आपको ये ट्रे दी हुई है इसको अप डाउन के लिए। जब भी आप यूज करें तो इसको बैक साइड पे ले जाएं। तो ऑन करने के लिए आपको एक यहाँ पे पावर स्विच का बटन दिया हुआ है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने से ये ऑन हो जाएगा। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे कुछ बटन आपको देखने को मिलेंगे। तो यूएसबी केबल से अब हम कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें रन कमांड देने में थोड़ा ईजी रहे। तो हमारा प्लॉटर अपने सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है।